फ्रेंड्स, माय नेम इज अमीजन। आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जिसने बोनस इशू डिक्लेयर किया है और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, प्लस उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पेप्सी हो गए। और इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे 2016 के अंदर ये 440 के करीब चलता था, मान लीजिए 2017 में 400 के भी नीचे था। और अगर आप देखेंगे आज की तारीख में तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक चल रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ है और मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिया। फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं इस कंपनी के, तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं इसका स्टॉक 892 के ऊपर क्लोजिंग थी और कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो काफ़ी बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करती है, उनके लिए प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया। और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा जो है, जिस हिसाब से कंज्यूम हो रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स, आने वाले में समय में काफ़ी अच्छा और ग्रोथ हो सकता है। लेकिन किसी भी गिरावट में इस स्टॉक को लीजिए। आज अगर आप देखेंगे 4.5% डाउन है, क्योंकि मार्केट भी पूरा नीचे की तरफ था। और इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 961 का है, तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे ही है, तो किसी भी गिरावट में आप ले सकते हैं। ये फिर आगे बढ़ेगा और कितना रेशियो से बोनस इशू किया है तो उसी के बारे में जानेंगे। इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 15,000 करोड़ के भी ऊपर है और 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो इसी फेस वैल्यू के ऊपर जो है डिविडेंड मिलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका फ़ायदा पूरा बोनस शेयर्स के ऊपर भी मिलता है। इनका अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो इनका मार्च क्वार्टर में 1,000 करोड़ का टोटल इनकम रहा और लास्ट क्वार्टर में 459, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा है। एक्सपेंसेस भी थोड़े बड़े हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 55 करोड़ का रहा और लास्ट क्वार्टर में -53 था, जो कि काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। तो उसी के कारण स्टॉक में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ। एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो ये आप देख सकते हैं। ये लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है, 17 जून आज ही अपडेट हुआ है, तो सबसे पहले आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। इसलिए लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो इसका अगर आप देखेंगे, एक शेयर आपको मिलेंगे बोनस शेयर के तौर पर, अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। यहाँ से और स्टॉक ग्रो कर सकता है और लेना भी चाहते हैं तो किसी भी गिरावट में आप ले सकते हैं। आप अपना रेट देखकर ही लीजिएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, 40,000 के करीब जाता है और फिर नीचे आता है, तो मार्केट को देखते हुए ही आप डिसाइड करिएगा या थोड़ा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड डेट आएगा वो काफ़ी टाइम है, 2 महीने के अंदर कंपनी बोनस इशू करती है, तो आप काफ़ी टाइम है, तो उस हिसाब से आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था। मेरे हिसाब से 16 अगस्त तक जो है बोनस इशू, आप अगस्त तक जो पूरा सारा प्रोसीजर बोनस इशू का है वो हो जाएगा, तो बीच में शायद नेक्स्ट मंथ में इसका रिकॉर्ड डेट भी आ जाए, ताकि आप उस हिसाब से भी काम कर सको। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।